हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। दुर्गाष्टमी 2021 13 या 14 अक्टूबर जाने सही तारीख, अष्टमी नवमी दशहरा कब जाने कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। अश्विन माह में आने वाली शारदीय नवरात्रि का पर्व दुर्गा माँ की आराधना का ऐसा पर्व है जो पूरे 10 दिनों तक चलता है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा के बाद 10वें दिन दशहरे का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इस बार यह पर्व 8 दिनों का होगा। नवरात्रि पर अष्टमी नवमी तिथियों पर कन्या पूजन किया जाता है। इस बार तिथियों के उतार चढ़ाव के कारण लोगों में अष्टमी नवमी तिथि को लेकर विरोधाभास देखने को मिल रहा है। आज हम आपको इस वीडियो में शारदीय नवरात्र 2021 अष्टमी नवमी और दशहरा पर्व की सही तारीख और कन्या पूजन शुभ मुहूर्त के बारे में बताएंगे। अष्टमी नवमी शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में शारदीय नवरात्रि महाअष्टमी 13 अक्टूबर, नवमी तिथि 14 अक्टूबर और दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 12 अक्टूबर को रात्रि 9:49 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 13 अक्टूबर को रात्रि 8:09 पर। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 13 अक्टूबर रात्रि 9:07 पर। वहीं नवमी तिथि समाप्त होगी 14 अक्टूबर रात्रि 6:52 पर। विजयदशमी दशहरा शुभ मुहूर्त 2021। साल 2021 में दशहरे या विजयदशमी का पर्व 15 अक्टूबर के दिन मनाया जाएगा। दशमी तिथि प्रारंभ होगी 14 अक्टूबर गुरुवार को शाम 6:52 पर। दशमी तिथि समाप्त होगी 15 अक्टूबर शुक्रवार को शाम 6:02 पर। दशहरे के दिन विजय मुहूर्त होगा 15 अक्टूबर दोपहर 2:02 से दोपहर 2:48 तक। कन्या पूजन शुभ मुहूर्त। नवरात्रों में कन्या पूजा का विशेष महत्व है। नवरात्रि माँ आदिशक्ति की उपासना का पर्व है और कन्याओं को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं की पूजा करने की मान्यता है। दुर्गाष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होकर उसे माँ का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार साल 2021 में शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 13 अक्टूबर अष्टमी और 14 अक्टूबर नवमी के दिन करना बेहद शुभ रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।